इस साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत के तीन दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद इन खिलाड़ियों के फैंस जीत की खुशी के साथ साथ मायूस हो गए थे। हालांकि रोहित, विराट और जडेजा के संन्यास को लेकर भारत के पूर्व बॉलिंग कोच पारस महामरे ने एक बड़ा खुलासा किया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत के गेंदबाजी कोच रहे पारस महामरे ने बताया कि इन तीनों ही खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बारे में किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कोहली, रोहित और जडेजा के संन्यास लेने के बाद पूरा टीम मैनेजमेंट सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग अब रिटायर होने वाले हैं। यदि इन तीनों ही प्लेयर्स ने कोई बातचीत की होती तो हमें पता होता कि ये होने वाला है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बारे में व्यक्तिगत या निजी तौर पर किसी ने कोई भी बातचीत नहीं की थी। अगर राहुल द्रविड़ से कोई बात की हो तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी टीम में किसी को भी ये नहीं पता था, इसलिए ये फैसला आश्चर्यजनक लगा। महामरे ने आगे कहा कि 37 साल के रोहित, 35 साल के कोहली और 35 साल के जडेजा अब युवा नहीं रहे। टीम इंडिया के बिजी स्केड्यूल में तीनों फॉर्मेट की कड़ी मेहनत के कारण उन्हें ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अगर आप इसे खिलाड़ियों के नजरिए से देखें तो एक प्रारूप का इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद एक दशक से अधिक 12-13 वर्षों से ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, पारस महामरे के बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।